हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है ऑल न्यू किया सोनेट। यहाँ पे आप देखें GTX प्लस मॉडल और ये है HTX मॉडल। HTX प्लस नहीं है, HTX मॉडल है। एंड एस्थेटिकली ये बिल्कुल ही सिमिलर कार्स लगती हैं। इवन जो कीज़ है वो भी बिल्कुल सिमिलर दी गई है। आप यहाँ पे कीज़ देख सकते हैं, ये है GTX प्लस की कीज़ और ये है HTX मॉडल की कीज़। एंड दोनों की ही कीज़ में आपको इंजन स्टार्टर भी मिलता है, यानी कि अगर हम होल्ड स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो दोनों ही कार स्टार्ट हो जाएंगी वायरलेसली। एंड इसी के साथ दोस्तों, हम शेयर करने वाले हैं इसका मोस्ट डिटेल वॉक ऑन रिव्यू। ईच एंड एवरी फीचर यहाँ पे कवर करेंगे, ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, एंड यहाँ पे ऑन रोड प्राइस का कंपैरिजन भी करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस ऑन रोड प्राइस में अदर राइवल व्हीकल्स आप कौन कौन सी परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। सो यहाँ पे एक्सटीरियर से एस्थेटिकली आपको दोनों ही सिमिलर मिलती है। दोनों में सनरूफ अवेलेबल है, एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, कीज़ भी सेम दी गई है। एंड दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही कार्स पे आपको 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी, 3 ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंस दी गई है जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको UVO कनेक्ट मिल जाता है GTX प्लस मॉडल में। 3 ईयर की यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलेगी, हेलो किया का फंक्शन भी मिलता है जिससे आप ड्राइवर साइड पावर विंडो ऑटो अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ में कई सारे वहाँ पे फीचर्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे व्हीकल स्टेटस एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है थ्रू UVO। तो UVO की जो ऐप है, स्मार्टफोन ऐप, उससे आप कार को स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हैं GTX प्लस वेरिएंट, नॉट इन HTX मॉडल। HTX मॉडल में आपको यहाँ पे UVO कनेक्ट नहीं मिलता। एंड अगर हम अदर थिंग्स के बारे में बात करें गाइस, तो सोनेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किया के अनंतपुर प्लांट में, एंड ये व्हीकल काफ़ी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग आपको मिलती है। ये बिल्टअप है एडवांस K1 बॉडी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के ऊपर, CMS Hyundai Venue, जो कि बिल्टअप है ऑन हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर। सो दोस्तों, बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यहाँ पे दोनों में ही अवेलेबल है LED हेडलैम्प। यहाँ पे आपको फुल LED हेडलैम्प मिलते हैं विद LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन दोनों ही कार्स में अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मिलते हैं। ये जो 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, दे आर फॉर लो बीम एंड अदर 2 मिलेंगे फॉर हाई बीम। तो एक्जैक्टली सिमिलर आपको यहाँ पे हेडलैम्प मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो ग्रिल है, ग्रिल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि HT लाइन यानी कि टेक वेरियंट है, और यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है। साथ में यहाँ पे रेड एसेंट्स भी दिए गए हैं ग्रिल पे, जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ऑल दो दोनों ही ग्रिल यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है, क्रोम भी दिया गया है दोनों ग्रिल पे, बट HTX मॉडल में आपको यहाँ पे रेड एसेंट्स नहीं मिलते। और इसी के साथ दोस्तों, फ्रंट में यहाँ पे पार्किंग सेंसर अवेलेबल है स्टॉप एंड ट्रिम में। GTX प्लस में यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे फ्रंट में, जो कि यहाँ पे आपको HTX मॉडल में नहीं मिलते। लेकिन दोनों में ही यहाँ पे प्रोजेक्टिव फॉग लैम्प दिए गए हैं विच आर इन हेलोजन एंड दे प्रोवाइड एक्सीलेंट विजिबिलिटी। अदर देन दैट गाइज, यहाँ पे आपको फ्रंट में स्किड प्लेट मिल जाती है, बट यहाँ पे जो स्किड प्लेट दी गई है, यहाँ पे आपको टर्बो लाइक स्टाइलिंग मिलेगी एज पर किया। साथ में यहाँ पे आपको नीचे रेड एसेंट्स मिल जाते हैं, एंड जो एयर डैम का यहाँ पे डिज़ाइन आप देख रहे हैं, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट कम्पेयर टू दैट वन। पियानो ब्लैक फिनिश का भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा गया है। और अदर कंपैरिजन के बारे में बात करें गाइस, तो ये है विंग मिरर्स। दोनों की विंग मिरर्स आपको मिलेंगे ऑटो फोल्डिंग विद वेलकम फंक्शन, यानी कि कार की अगर कीज़ आपकी पॉकेट में है एंड आप जस्ट गाड़ी को अप्रोच कर रहे हैं विदाउट इवन अनलॉकिंग द कार, ऑटोमेटिकली ORVM ओपन हो जाएंगे, बट उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा फ्रॉम द इंफोटेनमेंट सिस्टम और MID स्क्रीन। एंड नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिबल डिफरेंस जो है ये अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, यहाँ पे रेड एसेंट्स दिए गए हैं इन GT लाइन ट्रिम, 16 इंचेस के आपको मिलेंगे एंड दे आर लुकिंग सुपर स्टनिंग। बट यहाँ पे गाइज आपको मिलते हैं स्टील व्हील विद व्हील कवर्स, दे आर लुकिंग लाइक अलॉयज, बट ये अलॉयज नहीं है, दे आर स्टील व्हील्स। और दोनों ही मिलते हैं 215/60 सेक्शन टायर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रोम डोर हैंडल अवेलेबल है, आपको यहाँ पे भी क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है। दोनों में ही डुअल टोन रूफ रेल्स अवेलेबल है बिग साइज की, एंड साथ में आपको सनरूफ भी मिलेगी एंड एक शॉक फिन एंटीना भी ऑफर करा जा रहा है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस दोस्तों मिलता है वो ये है, यहाँ पे आपको क्रोम एसेंट्स नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे क्रोम एसेंट्स कंप्लीट दिए गए हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस दोस्तों जो आपको मिलता है, यहाँ पे साइड बॉडी ग्लाइडिंग, व्हील आर्चर स्लाइडिंग अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो आपको साइड बीटिंग मिलती है, दे इट इज इन सिल्वर फिनिश यहाँ पर, और यहाँ पे आपको मिलती है इन रेड फिनिश, बिकॉज इट्स अ स्पोर्टी वेरिएंट। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको स्पोर्टी फॉर्मेट में ही मिलेगी इन रेड एसेंट्स। और फाइनली ये है रियर लुक, HTX मॉडल एंड GTX प्लस मॉडल। यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं UVO की बैजिंग, यहाँ पे डिफॉगर अवेलेबल है, यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है, यहाँ पे वाइपर आपको नहीं मिलेगा। दोनों में ही अवेलेबल है हार्ट बीट LED टेल लैम्प एंड दे लुक सुपर स्ट्राइकिंग एंड अट्रैक्टिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं GT लाइन की बैजिंग मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग नहीं मिलेगी। और एक और जो नोटिसेबल डिफरेंस आपको मिलता है वो है रियर में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिफ्यूज़र अवेलेबल है और वहाँ पे भी डिफ्यूज़र आपको मिलता है, लेकिन दोनों का डिफ्यूज़र थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ करा गया और रेड एसेंस मिल जाते हैं, वेयर एज यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का डिफ्यूज़र मिलेगा विद पियानो ब्लैक फिनिश इंस्टेड ऑफ रेड एसेंस। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स दोनों में ही आपको मिलेगी इन हेलोजन। दोनों में ही रियर कैमरा भी अवेलेबल है, आपको यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट एंड ग्रैब हैंडल मिलता है, उधर भी दिया गया है, और एंड रियर में पार्सल ट्रे भी दोस्तों दोनों में ही अवेलेबल है। बट जो आपको एक डिफरेंस मिलेगा वो ये है, यहाँ पे सब वूफर अवेलेबल है जो कि आपको XTX में नहीं मिलता, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे उसी की तरह आपको मिल जाती है रियर पार्सल ट्रे, साथ में यहाँ पे लगेज लैंप भी अवेलेबल है, उस मॉडल में भी मिलेगा, बट यहाँ पे आपको सब वूफर नहीं मिलता। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे एक ग्रोसरी हुक दिया गया है, एंड दोनों ही मॉडल्स में दोस्तों कुछ ऐसा आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलता है। सो ये है स्टील व्हील विद टूल किट और 15 इंचेस का मिलेगा 195/65 सेक्शन टायर, स्मॉल साइज का आपको स्पेयर टायर मिल जाता है दोनों में ही। और दोनों जगह यहाँ पे आपको स्टाइलिंग मिलती है सी पिलर पे। एंड फर्दर मोर गाइस, किया सोनेट की अभी 10,000 प्लस बुकिंग हो चुकी है, एंड अदर राइवल व्हीकल्स की जो एवरेज मंथली सेल है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दोनों ही कार्स में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, एंड इसी के साथ यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है वो स्लाइटली स्टिफ साइड पे है और ये आपको परफेक्ट बैलेंस ऑफ राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी ऑफर करता है। आपको हाई स्पीड से एक्सीलेंट स्टेबिलिटी भी मिलेगी एंड बम्पी रोड्स पे भी आपको एक्सीलेंट राइड क्वालिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, फीचर्स के बारे में एंड सेफ्टी फीचर्स कंपैरिजन के बारे में। और यहाँ पे आप HTX एंड GTX प्लस के सेफ्टी फीचर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। HTX में अवेलेबल है 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनल एंड लोड लिमिटर, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, ऑटोमेटिक हेड लैम्प, फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन, रियर डिफॉगर, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। तो ये सारे फीचर्स HTX में मिल जाते हैं जो कि GTX प्लस में भी अवेलेबल है, बट GTX प्लस में आपको एडिशनल जो फीचर्स मिलते हैं दोस्तों वो है 6 एयर बैग्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हाईलैंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो हर एक टायर का टायर प्रेशर शो करेगा, साथ में ऑटो डिमिंग IRVM, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल लॉन्च असिस्ट, ब्रेक असिस्ट एंड व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं किया सोनेट के हर एक मॉडल का ऑन रोड प्राइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं HTX मॉडल का ऑन रोड प्राइस एंड इस प्राइस में आपको बाकी राइवल व्हीकल्स के कौन कौन से मॉडल मिल जाते हैं और उसका क्या ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड इन सभी राइवल व्हीकल्स के वेरिएंट्स का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं GTX प्लस मॉडल का ऑन रोड प्राइस एंड इस प्राइस में बाकी राइवल व्हीकल्स के जो जो मॉडल आपको मिल जाते हैं उनका प्राइस भी आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, इन दोनों वेरिएंट यानी कि HTX वर्सेस GTX प्लस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस एंड डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड में विद फीचर डिफरेंसेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो सोनेट का डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में बूट स्पेस है 392 लीटर्स, ग्राउंड क्लीयरेंस मैसिव 205 mm, टर्निंग रेडियस 5.1 meters, और यहाँ पे 8 सिंगल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लियर व्हाइट कलर अवेलेबल नहीं, तो 7 कलर्स आपको मिलेंगे जो है स्टील सिल्वर, इंटेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, एरोरा ब्लैक पर्ल, इंटेलिजेंसी ब्लू एंड बेज गोल्ड कलर। और किया सोनेट फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो है 1.2 लीटर पेट्रोल विद 5 स्पीड मैनुअल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विद 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT, यहाँ पे मैनुअल अवेलेबल नहीं है, और 1.5 लीटर डीजल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। लेकिन आप अगर HTX मॉडल देखेंगे तो वो अवेलेबल है 1 लीटर पेट्रोल IMT में एंड 1.5 लीटर डीजल मैनुअल में। HTX में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आप GTX प्लस देखेंगे तो वो अवेलेबल है 1 लीटर पेट्रोल IMT, 1 लीटर पेट्रोल DCT, 1.5 लीटर डीजल मैनुअल एंड 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक में, यानी कि GTX प्लस मॉडल में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कंप्लीट इंजन ऑप्शन कंपैरिजन। फर्स्ट है 1.5 लीटर डीजल इंजन, सेकेंड आपको मिलेगा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एंड थर्ड है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। सो
सो गाइस फर्स्टली बात करते हैं यहाँ पे इंटीरियर डिफरेंस के बारे में। तो HTX मॉडल में आपको मिलते हैं डुअल टोन इंटीरियर्स ब्लैक एंड बेज, और जो यहाँ पे आपको GTX प्लस मॉडल मिलता है वहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अवेलेबल है विद कॉन्ट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग। यहाँ पे आपको फैब्रिक प्लस लेदर सीट अपॉलिस्ट्री मिलती है HTX मॉडल में, वहाँ पे दी गई है फुल लेदर सीट अपॉलिस्ट्री इन ब्लैक कलर विद कॉन्ट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग, और वहाँ पे भी आपको लेदर आप स्टेयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पे भी लेदर आप दिया गया है बट यहाँ पे यूज़ करी गई है ब्लैक स्टिचिंग, वेयर एज वहाँ पे यूज़ करी गई है कॉन्ट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग। GT लाइन की बैजिंग मिलती है, वहाँ पे आपको जस्ट सॉनिट की बैजिंग मिलेगी HTX मॉडल में। अदर डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में सेंसर्स अवेलेबल है, तो साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड रियर पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले जो कि इवन यहाँ पे MID में भी डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले आपको मिलेगा इन MID एंड कैमरा का डिस्प्ले यहाँ पे अवेलेबल। डुअल गाइडलाइन दी गई है एंड अडैप्टिव है, तो आप स्टीयरिंग मूव करेंगे यहाँ पे गाइडलाइंस भी मूव होगी, तो यहाँ पे आपको उसका स्विच मिल जाता है, यहाँ से आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फर्दर मोर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा, तो यहाँ से उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलेगी अराउंड द ट्विटर्स जो कि वहाँ पे नहीं दी गई, और यहाँ पे बोस की बैजिंग ऑन द स्पीकर्स। और इसी के साथ यहाँ पे गाइज आपको मिलते हैं अलॉय पेडल्स जो है बेसिकली एल्युमिनियम स्पोर्टी पेडल्स, साथ दोस्तों जो फीचर डिफरेंस मिलते हैं वो ये है कि आपको HTX मॉडल में यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे एयर प्यूरीफायर दिया गया विद परफ्यूम डिफ्यूजर, 3 परफ्यूम के आपको ऑप्शन मिलते हैं जो है फॉरेस्ट, लेवेंडर एंड ओशन। साथ में इंडस्ट्री फर्स्ट वहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन दी गई है, हेपा फिल्टर एंड N29 फिल्टर भी अवेलेबल है। अदर फीचर डिफरेंस की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। एंड दोनों ही मॉडल्स में दोस्तों यहाँ पे आपको सनरूफ मिलेगी, यहाँ पे ट्विन कैबिन लैंप आपको मिल जाते हैं विद सनग्लास होल्डर, विद थिएटर डिमिंग फंक्शन भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, और यहाँ पे आपको टॉयलेट सीट होल्डर मिलता है दोनों ही मॉडल में। बट गाइज HTX मॉडल में यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM अवेलेबल है, वेयर एज आपको GTX प्लस में मिलता है ऑटो डिमिंग IRVM विद 3 टेलीमेटिक स्विचेस SOS RSA एंड UVO। नेक्स्ट डिफरेंस दोस्तों जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो है MID स्क्रीन में, यहाँ पे आपको 3.5 इंचेस की MID स्क्रीन मिलती है, वेयर एज GTX प्लस में दी गई है 4.2 इंचेस की MID स्क्रीन, एंड वहाँ पे टायर प्रेशर भी डिस्प्ले होता है, साथ में वहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी डिस्प्ले होगी जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं मिलता। और गाइस जो आपको HTX मॉडल में MID स्क्रीन मिलती है उसमें यहाँ पे कई सारी आप यूजर सेटिंग एंड व्हीकल सेटिंग भी कर सकते हैं, और ये सारी सेटिंग होगी GTX प्लस ट्रिम के इन्फोटेनमेंट सिस्टम में, यहाँ पे MID में ये सारी सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। एंड अदर देन दैट दोस्तों रियर सीट्स आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है, रियर एसी वेंट अवेलेबल है दोनों में ही, और आपको यहाँ पे एक USB चार्जर भी मिलता है विद एल्यूमिनेशन, वो भी दोनों ही वेरिएंट्स में ऑफर करा जा रहा है। और यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन नहीं मिलती फॉर AQI, लेकिन वहाँ पे दी गई है। साथ में जो रियर सीट्स है दे आर एग्जैक्टली सेम, बस वहाँ पे अपहोल्स्ट्री का आपको डिफरेंस मिलता है, दोनों में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है विद सेंटर आर्मरेस्ट। एंड नेक्स्ट ऑफ गाइज यहाँ पे जो को ड्राइवर है, यहाँ पे आपको ऊपर भी एक पॉकेट मिलती है, नीचे भी दी गई है, बट यहाँ पे ड्राइवर साइड नहीं मिलेगी, लेकिन जो GTX प्लस मॉडल है वहाँ पे आपको ड्राइवर साइड भी मिल जाती है एंड ऊपर नीचे भी दी गई है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों वो है इन्फोटेनमेंट सिस्टम में, यहाँ पे आपको 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, यहाँ पे अवेलेबल है 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट ट्विटर्स, साथ में आर्कमिस साउंड। यहाँ पे आपको नेविगेशन नहीं मिलती, तो स्मार्टफोन के थ्रू आप नेविगेशन को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आपको मिरर लिंक मिल जाता है, वायरलेस मिरर लिंक, वायरलेस एप्पल कार प्ले भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऑटो भी आपको मिलेगा, एंड ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी अवेलेबल है, ऑल्सो USB वॉइस कमांड एंड ब्लूटूथ आपको दोनों ही सिस्टम में मिल जाते हैं। एंड गाइज इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये है बोस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंचेस का लार्जेस्ट इन सेगमेंट एंड इट इज बेस्ट इन क्लास। यहाँ पे आपको साउंड मोड लाइट मिल जाती है जो कि HTX मॉडल में अवेलेबल नहीं है, और ये साउंड मूड लाइटिंग यहीं पे फ्रंट में आपको मिलती है, साथ में एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB के थ्रू यहाँ पे वीडियो प्ले कर सकते हैं, आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी मिलेगी। एंड दोस्तों यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस दोनों सिस्टम में मिलता है वो ये है कि यहाँ पे जो एप्पल कार प्ले है यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले नहीं दिया गया, तो आपको यहाँ पे USB के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, बट वहाँ पे जो है
वहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले मिल जाता है, यानी कि वहाँ पे आपको यूएसबी के थ्रू प्लग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अदर डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल है, कूल्ड सीट्स मिलेंगी विद 3 लेवल वेंटिलेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर डिफरेंस के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्राइस डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTX मॉडल आपको काफ़ी सफिशिएंटली लोडेड मिलता है फीचर्स के साथ। यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। एंड यहाँ पे जो GTX प्लस मॉडल है वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल है, बोस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा एंड सो ऑन। साथ में अगर हम बात करें प्राइस डिफरेंस के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस डिफरेंस, तो यहाँ पे जो HTX मॉडल से अगर आप GTX प्लस मॉडल में जाएंगे, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल IMT लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा एक शोरूम 2 लाख एंड ऑन रोड 2,66,000 का। एंड HTX अगर आप डीजल मैनुअल परचेज कर रहे हैं, अगर आप जाएंगे GTX प्लस की तरफ तो वहाँ पे आपको एक शोरूम डिफरेंस मिलेगा 2 लाख का एंड ऑन रोड डिफरेंस आपको मिलेगा 3,53,000 का। सो इन नटशेल HTX एंड GTX प्लस में जो आपको प्राइस डिफरेंस मिलता है दैट इज़ वेरी ह्यूज। जितने भी फीचर्स HTX मॉडल में अवेलेबल है इट इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट। सो दोस्तों ये था किया सोनेट का HTX वेरिएंट एंड GTX प्लस वेरिएंट का कंप्लीट कंपैरिजन, एंड आपको दोनों ही वेरिएंट्स वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, बोस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो आप इस वेरिएंट को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक परचेज करने का प्लान करें तो आपको यही ऑप्ट करना पड़ेगा। वैसे आपको HTX मॉडल बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है, एंड यहाँ पे जो डुअल टोन इंटीरियर्स है ये काफ़ी स्पेशियस एंड रूमी फील भी ऑफर करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे से पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी जो है Team Car Delight, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।